नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको इनकम टैक्स की बुक एस सी बल्होत्रा की 62 एडिशन 2021-22 के लिए, और साथ में पब्लिकेशन की है, और चैप्टर चल रहा है कैपिटल गेन, और क्वेश्चन नंबर चलेगा 18। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा होगा, तो उसके लिए आपको स्टैंड को नीचे करते हैं और आपको समझाते हैं कि 18वें क्वेश्चन में लिखा क्या है, कैसे होगा ना। तो 18वें क्वेश्चन में लिखा है, श्री महेश हैड टू हाउसेस। महेश के पास कितने हाउस हैं? दो हाउस हैं। फर्स्ट हाउस वाज ऑक्यूपाइड बाय हिम सेल्फ फॉर रेजिडेंस, खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहा है। ही परचेज दिस हाउस इन 1999, ठीक है, 1999 में ख़रीदा था इसने 1.5 लाख का हिमसेल्फ। तो ये जो हाउस है वो खुद के रहने के लिए यूज़ करता है। इस हाउस को परचेज किया था 1999 में 1.5 लाख का। इस समय तो इंडेक्स नंबर भी नहीं है। इंडेक्स नंबर जो हमारे हैं वो 2001-02 से स्टार्ट होते हैं, जहाँ से 100 मानते हैं हम। ये तो उससे पहले की वैल्यू है, एक बार नज़र में ज़रूर रखना कि ये 1.5 लाख है। अब इसी मकान की 2001 के आसपास की वैल्यू मिलनी चाहिए हमें। तो लिखा है इट्स फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 के आसपास 2,10,000 है। अब इसी मकान की है, ये वाली फेवरेबल है, ये वाली फेवरेबल है, ज़्यादा वाली है ना। अगर ये वाली ज़्यादा होती तो हम इसको लेके चलते इस डेट पर, वो अपना ध्यान रखना। महेश स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑन 10/9/2020 को किए, मतलब मकान में कुछ खर्चा किया इम्प्रूवमेंट का और 5,000 रुपये खर्च किए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर बहुत पहले किया होता तो इंडेक्स कॉस्ट इसकी भी निकालनी पड़ती, ये तो हाल फिलहाल में किया है। ठीक है, इसका कुछ नहीं करना पड़ेगा आगे। एंड सोल्ड इट ऑन 30 नवंबर 2020, 16 लाख में बेच दिया। मकान खरीदा रहने के लिए, रह भी रहा है, उसकी वैल्यू भी बता देती थी, और कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया है और फिर से बेच दिया। तो एक पोर्शन ये सॉल्व करेंगे। ही परचेज अनदर हाउस फॉर रेजिडेंशियल 25 फरवरी 2021 में, और ये 8 लाख का खरीदा, 16 लाख का मकान बेचा, फिर एक 8 लाख का खरीद लिया। तो ये पोर्शन तो इसके लिए हो गया, अलग से फर्स्ट हाउस के लिए। ही परचेज अनदर सेकेंड हाउस, ठीक है, अनदर सेकेंड हाउस है, और ये 2007-08 में खरीदा था 7,74,000 का, इसे किराए पे दे रखा है इसने। ही सोल्ड दिस हाउस 15 जून 2020 को 16 लाख में, इसे भी बेच दिया। हाँ, बेचा है सिर्फ, बाकी अभी इसमें क्या होगा इसके बारे में नहीं। ये पोर्शन यहीं पे ख़त्म कर दिया सेकंड हाउस वाला, इसके बदले में कोई मकान और खरीदा नहीं है। ठीक है, ये इतना ही है। फिर बोला ही हैड परचेस्ड सम ज्वेलरी इन 2007-08 में, ज्वेलरी भी खरीदी है 2,58,000 की। 22 फरवरी 2021 में इसे सोल्ड कर दिया ज्वेलरी को 7 लाख में, कितने बेचा बेचा 7 लाख में। एंड परचेज 15 मार्च 2021 को न्यू ज्वेलरी परचेज की है 75,000 की। और ये सोच रहे हैं कि ज्वेलरी बेच के ज्वेलरी खरीदेंगे तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ज्वेलरी बेच के मकान खरीद लो तो एग्जम्पशन मिलने के चांस हैं, लेकिन ज्वेलरी बेच के ज्वेलरी खरीदोगे तो ऐसा नहीं होगा, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती। तो ये भी याद रखना। यू हैव टू डिटरमाइन टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ श्री महेश फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है और आंसर आंसर दे रखे हैं। फिलहाल तो हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं 18 क्वेश्चन। चलो बेटा शुरुआत करते हैं। तो 18 क्वेश्चन लिख दिया हमने, 18 क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 और 22। सबसे पहले पहले हाउस की बात करते हैं, तो फर्स्ट हाउस इस वाले की बात करेंगे, इसे हम सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ हाउस। कितने में सेल किया हमने ये सेल किया था हमने 16 लाख में। ठीक है, और कोई दलाली वलाली तो हमने दी नहीं, ठीक, नॉर्मली है फर्स्ट पॉइंट। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब इस मकान को खरीदने की लागत 1999 में खरीदा 1.5 लाख की थी, लेकिन इसी मकान की वैल्यू दे रखी है 2001 के आसपास 2,10,000 की। 2,10,000 वाली वैल्यू कंसीडर करोगे, डिवाइड करोगे 100 से और मल्टीप्लाई करोगे 301 से, तो आपको आज के टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी। 2,10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 301, तो ये हो गया 6,32,100। ठीक है, इतना ही दे रखा है। लेकिन यहाँ पे एक और खर्चा भी है, इसे भी थोड़ा सा इधर साइड में रखते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट,
ठीक है। अभी ऐसे इसमें माइनस भी करते तो कितना आता है हमारे पास, 6 लाख 16 लाख माइनस करें 9,67,900, ये आंसर का। वैसे तो मुझे अंदर साइड लिखना चाहिए, दो चीज़ आइटम थी ना, एक तो था ये वाला खर्चा, इंडेक्स कॉस्ट आज के टाइम में क्या है, इंप्रूवमेंट में खर्चा किया वो तो हाल फिलहाल में किया है तो उसका इंडेक्स कॉस्ट तो आएगा नहीं, उसको मैं साइड में लिखता तब दोनों जोड़ के बाहर लिखता फिर माइनस करता। मैंने अब यहाँ लिख दिया तो कटिंग करना फ़ायदा नहीं है, तो इसमें से माइनस किया ये आंसर आया, इसमें से 5,000 और माइनस कर दिया किस बात के, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के। तो आपके पास कितना गेन निकलता है, 9,62,900, ये एक तरह से कैपिटल गेन हो गया, ठीक है कैपिटल गेन हो गया। लेकिन इस टैक्स से बचने के लिए हमने क्या किया, मकान बेचा था, बदले में एक और मकान खरीद लिया, तो एग्जेम्पशन मिलेगी, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग, मकान बेच के मकान खरीदे 54, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, न्यू हाउस खरीदा हमने कितने का, 6 लाख का खरीदा, कितने खरीदा था, 8 लाख का खरीदा था, कितने खरीदा, 8 लाख का। अब कितना पैसा बचा, 1,62,900। अब जो गेन है हमारा इतना है टैक्सेबल लॉन्ग LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई दिक्कत तो नहीं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पॉइंट करते हैं, उसमें भी हाउस बेच रहे हैं हम, सेकंड हाउस, यहाँ क्या किया, सेल ऑफ हाउस किया, कितने में बेचा हमने सेकंड वाला हाउस, 16 लाख में बेचा, बेचा फिर इसमें क्या था, इस मकान को खरीदा था 7,74,000 में, 7-8 में, तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये था 7,74,000 डिवाइड बाय, जिससे मैं खरीदा था उसमें 7-8 चल रहा था, 7-8 में इंडेक्स नंबर क्या है, 129 है, 129 से डिवाइड, 301 से मल्टीप्लाई, 7,74,000 डिवाइड बाय 129 इंटू 301 ये है 18,06,000। क्या बताता है इस चीज़ को भाई, आपके मकान की कीमत जो 7 लाख का खरीदा था 7-8 में, आज के टाइम में कितनी है, 18,06,000 है, और आप इसे बेच कितने में रहे हो, 16 लाख में, तो आपका तो नुकसान हो रहा है, फायदा तो होने से रहा नुकसान हो रहा, क्योंकि कम कीमत बेच आपने, तो यहाँ हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, गेनिंग लॉस कितना, 18 महीने से करें 2,06,000, आंसर भी चेक करते साथ साथ सही आ रहा है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। और आपने ज्वेलरी भी बेची है, वैसे होने को इसी में हो जाएगा, कर देते हैं वैसे थोड़ा आप लिखते रहना, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसमें ज्वेलरी, तो सेल ऑफ ज्वेलरी, सेल ऑफ ज्वेलरी की बात की गई है, ज्वेलरी आपने खरीदी थी 7-8 में और इसे बेच दिया तुमने, कहाँ गया, 7 लाख में, और परचेज की एक और ज्वेलरी, ज्वेलरी बेची, ज्वेलरी खरीदने में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, तो 7 लाख में ज्वेलरी बेची है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदी थी हमने ज्वेलरी 2,58,000 की, ठीक है, और 7-8 में खरीदी थी, तो मतलब यही है कि आपका 129 इंडेक्स नंबर चल रहा होगा और 301 के हिसाब से आपको करना है, तो 258 डिवाइड बाय 129 इंटू 301, 6,02,000 कीमत है आज के टाइम में ज्वेलरी की, जो 2,58,000 की थी ना वो आज के डेट में 6,02,000 की है, और इसे कितने बेच रहे हो तुम, 7 लाख में, तो तुम्हारा तो फायदा अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये 98,000 का क्या हुआ, कैपिटल गेन हो गया, कितना, 98,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई दिक्कत है बेटा, आपके पास तीनों पॉइंट हैं, ऊपर वाली देखो लाइन है, बाकी आप यहाँ तक पूरा लिख सकते हो। अब टैक्सेबल कैसे निकाला जाएगा,
जो टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालना है, कैसे निकालोगे? टैक्सेबल कैपिटल गेन, आपको यहाँ पे फायदा हुआ, यहाँ फायदा हुआ, यहाँ नुकसान हुआ, तो फायदा फायदा प्लस, नुकसान माइनस कर देख लो, तो आपका 16,29,000 को फायदा हुआ, 98,000 का यहाँ फायदा हुआ गेन, और माइनस 206,000, तो अभी आप फायदे में चल रहे, नुकसान चल रहे, फायदा फायदा जाता है, इसे माइनस करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो 16,29,000 प्लस 98,000 माइनस 206,000, 54,900 का अभी भी गेन है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो जरा, मैं स्टैंड ऊंचा करके आपको दिखा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इस समय पूरा पूरा क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन 18 नोट डाउन कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।